नमस्कार फोर साइट्स टीवी में आपका स्वागत है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव द्वारा मोदी सरकार के अगस्त में गिर जाने का दावा किए जाने के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। तो लालू यादव के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के नेता लालू यादव पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने लालू के दावे पर बहुत कुछ बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वहीं शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ये सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। वहीं जेडीयू ने तो ये तक कह दिया है कि लालू जी निराशा में हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, संविधान हाथ में लेकर लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। संविधान का सम्मान करते तो जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। अभी भी उनको लगता है कि पता नहीं कब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिल जाए। ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, ये लोग कुछ भी बोलें, पहले की तरह कार्यकाल पूरा होगा। वहीं इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा, आरजेडी के नेता हो या फिर कांग्रेस के, ये लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। लालू जी का ये कहना है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये कौन सी सनक वाली बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये सरकार 5 साल चलेगी, मजबूती से चलेगी और जोरदार तरीके से चलेगी, पहले से ज्यादा ताकत से चलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना है उसको पूरा करेगी। ये सरकार देश की मजबूती और तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए काम करेगी। पूरे देश में इस सरकार के प्रति आस्था और विश्वास है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेता सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं और दिन में ख्वाब देख रहे हैं। वहीं लालू के सरकार गिरने के बयान को लेकर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने भी हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, लालू जी निराशा में हैं। ये मोदी सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। बिहार में इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है तो दर्शाता है कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बता दें कि पटना में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इसी दौरान पार्टी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन पर संतोष जताया और कहा कि मुझे विश्वास है कि पार्टी और ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी। साथ ही लालू यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।